जिले के नौतनवा में दो दिनों से चल रही प्राइवेट मोटर बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन की अनिश्चितकाल हड़ताल से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है, जिससे यात्रियों को मजबूरन बिना नंबर और बिना परमिट वाले टेम्पो पर अधिक किराया देकर चिलचिलाती धूप में 28 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ रहा है, जो कि खतरे से खाली नहीं है। इस मार्ग पर बिना नंबर और बिना परमिट के टेम्पुओं की भरमार है। बात यहाँ पैसों की नहीं, यात्रियों की सुरक्षा की है। अगर किसी कारणवश यात्री के साथ कुछ घटना होती है तो जिम्मेदार कौन होगा? वहीं दूसरी तरफ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते मोटर बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के लोगों से जब हमारे संवाददाता ने बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन नौतनवा के अध्यक्ष सैयद मकसूद अख्तर से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि राजनीतिक पार्टियों के दबाव में स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा नौतनवा से टूटीवारी मार्ग पर अवैध रूप से बिना नंबर बिना परमिट का टेम्पो का संचालन करवाया जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है, जिससे हम जैसे प्राइवेट बस मालिकों के समक्ष बड़ा संकट पैदा हो गया है कि हम सरकारी टैक्स कैसे जमा करेंगे। एसोसिएशन के लोगों की मांग है कि स्थानीय थाना अध्यक्ष के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई की जाए और तत्काल अवैध चल रही वाहनों को रोक दिया जाए। इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से सैयद मसूद अख्तर, राधेश्याम, दया शंकर, रंजीत सिंह, जयप्रकाश, राजेश यादव, राधेश्याम जायसवाल, राम लखन, दरबारी लाल मौजूद थे। दीपक मदेशा की रिपोर्ट, लाइव उत्तर प्रदेश, महाराजगंज।